हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि कार में इतने सारे बटन क्यों होते हैं, उनका मतलब क्या है और क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आप यहाँ पे सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर पे। यहाँ पे कुछ बटन दिए हुए हैं। फर्स्ट बटन है ये है डोर लॉक अनलॉक का। जब ये कलर दिखता है हमें, थोड़ा सा ऑरेंज डार्क ऑरेंज में है, तो ये यानी कि दरवाज़ा अनलॉक है। इसको हम लॉक कर देंगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अगर ये इस तरह रहेगा तो दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। और ये सारे बटन हैं, ये बटन पिछले दरवाजे के विंडो को अप एंड डाउन करने के लिए, ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये ड्राइवर साइड ऑटो है, वन पुश डाउन हो जाता है और वन पुश अप हो जाएगा। इसके बाद आपके आगे मिलता है ये चाइल्ड लॉक। इसको प्रेस कर देने के बाद बाकी तीन दरवाजों के कोई भी ग्लास अप एंड डाउन नहीं होते हैं। ये है सारे डोर यहीं से लॉक अनलॉक करने के लिए। अनलॉक लॉक अनलॉक लॉक। और यहाँ पे मिलता है आपको ORBM एडजस्ट करने के लिए। इस बटन को प्रेस किया, देखते हैं, जैसे इस बटन को प्रेस किया हमारा ORBM ओपन हो गया। और इसको फिर प्रेस करते हैं तो ये ORBM क्लोज हो जाता है। और ये हमारा है एडजस्टमेंट के लिए, राइट साइड का ORBM करना है। राइट साइड में करके इसको हम अपना एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक बटन होता है ब्लूटूथ सेटिंग के लिए, ये कॉल रिसीव करने के लिए। कॉल वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, मोड चेंज कर सकते हैं, इससे ट्रैक चेंज कर सकते हैं आप। ये हॉर्न के लिए, ये हजार्ड लाइट, पार्किंग लाइट, इसके नीचे आता है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये सारे उसके बटन हैं, FM, AM, मीडिया, वॉल्यूम एंड साउंड चेंज करने के लिए, डिस्प्ले वगैरह क्या होता है। उसी के नीचे आपका आता है AC कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। इससे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ये फ्रंट विंडशील्ड डिफॉगर, ये रियर डिफॉगर। और ये है AC का एयर फ्लो कितना रखना है हमें उसको कंट्रोल करने के लिए। और ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है। और यहीं पे हमें ये होते हैं, ये ऊपर साइड रहता है तो एयर फ्लो ऑफ हो जाती है, ऊपर एयर फ्लो ऑन। सेम इसी तरह आपको वहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे और इधर ड्राइवर साइड में भी मिलेंगे एयर फ्लो ऑन। और इसको ये एडजस्ट करने के लिए लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। और यहाँ पे हैं कुछ बटन, जो कि ये है, इसको जीरो पे रखते हैं, 1 2 3 4 5। ये पैसेंजर लोडिंग के अनुसार है। अगर आपकी गाड़ी फुल 5 पैसेंजर के साथ लोडेड है तो 4 पे रखिए बीम को। यह है फॉग लैंप बटन। और उसके बगल में ही है ये पार्किंग सेंसर, ऑन ऑफ। यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो डिमिंग मिरर, ये जो पीछे से रिफ्लेक्शन आएगा उसको रोकने के लिए। इसके बाद ये बटन है आपका लाइट के लिए ऑन,
दरवाजे पे अगर आपको सेट करना है तो ये ऑफ हो जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पीछे साइड में भी है ऑन, दरवाजे पे सेट है ऑफ। यहाँ पे एक बटन होता है, ये बूट ओपन करने के लिए है। इसके नीचे ही ये हमारा है बोनेट ओपन करने के लिए, कार का हुड ओपन करने के लिए। यहाँ पे OBD2 स्कैनर वगैरह कनेक्ट करने के लिए ये पिन लगा हुआ है। एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच और ये रेस्ट, फुट रेस्ट। ये पेट्रोल फ्यूल करने, पेट्रोल भरने के लिए इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो वो हमारा वो ऑन ऑफ हो जाएगा। ये खोलने के लिए है,